अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो अभी सीन ये है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यार पेट्स तो नहीं आए हम, डेस्क तो नहीं आए, लेकिन हमें रखने की जगह नहीं है। तो अभी इनके रखने की जगह हमने फाइनली हमने बना ली है, जो कि मतलब पहले भी उसमें रहती थी पुरानी डेस्क जो थी, अब जो नई जगह बनाई है तो रख लिया। मतलब मसला हो रहा है हमारे जो छोटू गेंगे ना, मसला उनका हो रहा है कि उसको कहाँ रखें हम। फिर पहले दाना डालते हैं, फिर सोचते हैं कहाँ रखें। फिर चावल इनके लिए खोला था मैंने, जो मैं डेस्क को डाल के गया था, सारी रोटी वगैरह जो चूर के बच जाती, मतलब इनके लिए अलग रोटी बनवाता हूँ मैं, वो जो चूर के बदलाव डाल के चले जाता हूँ मैं, तो चूर जाती है फिर खा लेती है। मैंने खा पी जमा ये हो जाए, डकने से थोड़ी बीमार सी लग रही है वाली, तो उसके गले में कुछ फंस गया इसके। तो अभी इसको रेस्क्यू करते हैं, पहले दाना डालें सबको, उसके बाद सबको खोलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कोई कहाँ रखना है इनको, कैसे रखना है, किधर रखना है। जो झुंडे मार रही है खोलने बेचारी को, तो ये देखो यहीं से बाहर आ गई है। आ जा बेटी आ जा, सीधी रोटी पे टूटे ये पहले। माशाल्लाह हमारी भोली दोस्त ने जो आठ अंडा दिया है, अब खोलते हैं हम अपने किंग को। किसान खोल के गया था, अंडा निकाल के बाहर चले गया, और मतलब किसान अंडा निकाल, वे 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 वे। अंडा निकालते हैं, आया मेरे बच्चे बाहर, प्याली भी उठाते हैं। अब हम उसको दाना लेंगे सबको एक साथ, ताकि एक साथ खा भी ना, और कोई इश्यू भी ना हो, मतलब लड़ाई भी ना हो, कोई लड़ाई वड़ाई भी ना हो। खुलते हैं मतलब इनको, और ये यहाँ रखते हैं, डालते हैं इनको बाजरा। मैंने कहा जगह बाजरे की नहीं बना दी है, यहाँ पर थाने जगह टेढ़ी मेढ़ी थी और गिरता भी बहुत था, मतलब थाने परेशानी होती थी, वो जगह सारी सीधी है, प्लेन है बिल्कुल। वहाँ बाहर डाला तो गिर भी जाता, उठा लो उसको वहाँ से ना। तो अभी ये मसला है, अब मैंने चावल भी लेके आया हूँ वाइट, जो कि उबले गर्म है माना गया। अरे ब्रेक बाज हमारा खाया मैंने, बिरयानी उठाने लगे, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है मैं, मतलब करे तो करे क्या। फिर ये डाल, सुबह का बचा हुआ बाजरा डाल देता, डक खुद खा लेंगे हम उसके बाद। चावल ये रख देते छोटू गेंग के लिए, खुद खाएंगे आके, पाँच पाँच चल गया अभी छोटू गेंग को खोल लें। सुबह वहीं बन के चले गया था बेचारे, बाजरे को अंदर रख गया था मैं, ताकि ना मतलब गिरे गिरे भी ना बाजरा। बेचारे इसकी टांग ही बहुत ख़राब हो गई है, काफ़ी इसकी टांग ख़राब हो गई है, समझ नहीं आ रहा करे तो करें क्या। पहले काफ़ी सीधा टांग से काफ़ी मुड़ गई है, बहुत टांग मुड़ गई है इसकी ना, गलती हमारी ही है, हमने मतलब हमें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम लेके आए थे, हमें इसकी ना केयर बहुत करनी थी, हमने इसकी केयर करी नहीं और इसे छोड़ दिया, इसको उठा रहे बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे टांग ही मुड़ गई है उसकी, हमें डर ये डेड ना हो जाए, भाई इंशाल्लाह डेड नहीं होगा, बड़ा अच्छा खासा काफ़ी बड़ा हो गया है। अरे भाई बाहर आते भी कतरा रहा है यार ये, टांग देखो ना टेढ़ी हो गई, पूरी टांग फुल टांग टेढ़ी हो गई है, इसके बाद समझ नहीं आ रहा कहें तो करें क्या इसका। दाना डालते इनको पानी वानी, बची हुई रोटी है डक से माशाल्लाह मिला, खा लिया इन्होंने। अरे बेटा क्या चल रही, चार मसले भी जोर जोर खाती है भाई। वे समझ ही नहीं आता यार, ये इतनी बड़ी बड़ी बत्तख हो गई, इतने छोटे डर रही है, टेबल आके भागी जोर साहब के सामने। चार को देते हैं, अबे ऑटो ना दे, ओए टांग पे चढ़ गया मेरी, अभी गई पता नहीं इतना क्यों डर रही है यार, मतलब चूजे इतनी बड़ी है, चूजे डर रही है। हमने डिसाइड किया इंडोर में रखना है ना, सबसे यहाँ पर ठंड लग रही है, आग लगानी पड़ेगी यहाँ पे खुद के लिए, कशान भी आ रहा है, आग भी लगाते हैं, और मैं बताता हूँ कहाँ शिफ्ट करना है और क्या करना है। ऊपर आ गया, और मेरा कज़न अब्दुल भी ऊपर आ गया है,
अब मैं बता दूंगा मैं शिफ्ट कहाँ किया है। और हमें मैं छोटू गैंग जो है ना ये हमें उनको शिफ्ट किया है इसके अंदर। ये बनाया था मेरे कज़न ने कबूतरों के लिए, उसके बोला कबूतर रखवा दिए, कबूतर छत्ते में रख ये वो अपना दिमाग का सुबह देखा जी, उसने कबूतर बेच दिया अपने। और एक चीज़ पड़ा था फालतू ये बनाया था कबूतरों के लिए। अब इसमें रखे हम यूनिवर्स, हमें इसमें रखे सारे छोटू गैंग, और बाकी जो छोटू गैंग पिंजरा था हमने दे दिया डक्स को, जो कि डक्स अभी भी इसके अंदर ही हैं। तो अभी ये है सारा, और इन डक्स का नाम भी रखेंगे भाई। पिंजरा में सफाई वफाई करी सारी करनी है सफाई इसकी, सारे गंदा हुआ अभी तक। और एक और बात यार, हमारा जो क्या नाम है ये हमारे जो ये है ना क्या नाम है यार बतख है, इनको मुर्गे ने यार मतलब बहुत इतनी गंदी तरह मारा जा रहा है। पहले ब्लैक वाली मारती है, फिर वो मारती है। इस मुर्गे ने इनको बत्तखों को इतना मारा है। ये मुर्गा ये इसने इनको इतना मारा है, दोनों बाहर ही नहीं निकल रहे अभी। इतना मारा है इन्होंने इसने सिर्फ ये। पहले ये आती है मुर्गी मारने, फिर आता है ये भाई साहब पीछे से आते हैं उड़ते हुए मारने के लिए। चलो इनकी जगह बना ली सारी, शिफ्ट कर दी है उसको मां, उसको मॉनिटर से किया। ये केज आया नया, मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ दिन बाद अगर उधर शिफ्ट करेंगे किसी चीज को उधर तो मैं इसमें लेकर आऊंगा कबूतर पिजन जो मेरे पास पहले थे ना उससे अच्छे लेकर आऊंगा मैं यहाँ पे रखने के लिए। तो अभी पिजन लेकर आऊंगा अभी नहीं, लेकिन बाद में लेकर आऊंगा पिजन। तो अभी ये दोनों डर के बैठ गए, उसकी राज है भाई सबका। अभी ऐसी भाई आग जलाएंगे, अभी रात को हम आग रोज जला रहे हैं ताकि इनको हीट मिल सके, पूरा गर्म हो जाता सारा पिंजरों में धुआं हुआ देख के, फिर जाके सोते ये। हेलो, ये मुर्गी आती है पहले मारने के लिए, फिर आता है ये मारने के। आज के व्लॉग यहीं तक था, तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।